दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं टोसोन इन्वर्टर वेल्डिंग सिस्टम। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसका मॉडल, देखिए सबसे पहले मशीन का टोसोन ARC 200 इसका मॉडल है। पावर स्विच इस मशीन में आगे दिया हुआ है, बाकी ये फ्री है, ख़राब है स्विच, मशीन को डायरेक्ट कर रखा होगा। तो सबसे पहले हमारा सीरीज का बोर्ड आ चुका है, सीरीज के अंदर हम पावर सप्लाई में लगाकर मशीन को सबसे पहले चेक करेंगे। सीरीज का बल्ब हमारा ग्लो कर गया है, ये देखिए डिस्प्ले आ गया है 354, यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, एम्पियर कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखिए 24 पर हमने इसको कर दिया है। बाकी समस्या है ये देखिए कॉर्नर पे येलो वाला जो इंडिकेटर है, OC वाला इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, तो इस कंडीशन में मशीन आउटपुट करंट बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इस कंडीशन में हमको मशीन को खोल कर ही चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से चेक करना है, ठीक करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सेट का कवर हमने खोल दिया है और यहाँ पर दोस्तों अब चेक करना है हमें सेट को, ये देखिए सबसे पहले फिजिकली हम नज़र मार लेंगे कोई मॉस्फेट वगैरह कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, कोई कैपेसिटर तो फटा नहीं है, कहीं से कोई वायर वगैरह जला हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर कहीं से भी कोई वैसे कोई डैमेज नहीं है, सभी मॉस्फेट वगैरह बिल्कुल ओके लग रहे हैं देखने में, कोई भी कहीं से कोई वायर वगैरह भी निकला हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है। आपको ध्यान रखना है हमेशा इस कंडीशन में सेट को आप चेक करते तो हमेशा सीरीज में ही चेक करना है। तो हमने मेन लीड को लगा दिया है सीरीज में और सबसे पहले आप चेक कर लेंगे यहाँ पर जो फैन है दोस्तों, ये देखिए फैन को चेक कर लेंगे, फैन इसका चल रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करते हैं मॉस्फेट कार्ड को, तो दोस्तों ये देखिए डिस्प्ले आ रहा है, इंडिकेटर अंदर की तरफ भी दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, मॉस्फेट कार्ड के ऊपर भी येलो इंडिकेटर ग्रीन इंडिकेटर दोनों यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। तो दोस्तों OC का फॉल्ट है इसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये देखिए मॉस्फेट कार्ड में जो पीछे की तरफ 6 वायर का जिक लगता है इसको निकालेंगे, ये कनेक्शन जाता है हमारे आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हमने निकाल दिया, ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने पर भी OC का फॉल्ट आ जाता है, तो इसको निकालने पर यदि आपका येलो इंडिकेटर बंद हो जाता है तो मान लो आपके ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, फिर आपको ट्रांसफार्मर चेक करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों OC का फॉल्ट हमारा, अब यहाँ पर वापस से चेक करेंगे ऑन करके, अब भी यदि हमारा येलो इंडिकेटर जलता है तो मॉस्फेट कार्ड में ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जल रहा है इंडिकेटर देख पा रहे हैं, और ये देखिए जिक जो 6 वायर की हमने निकाली हुई है तो मॉस्फेट कार्ड में ही प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों ये देखिए एक तरीका ये भी है, यहाँ पर आउटपुट करंट चेक करेंगे तो एक वायर तो हमें रेड वाले पर रखना है और एक ब्लैक पर, ब्लैक पर कंटिन्यू रखना है, रेड पर तीनों पर चेक करना है। तो इस टाइप से चेक करना है, यहाँ पर बल्ब हमारा जलना चाहिए तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, एक एक बार लगाकर चेक करना है। तो आउटपुट करंट हमारे मॉस्फेट से कैपेसिटर से नहीं आ रहा है, मॉस्फेट कार्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आउटपुट करंट नहीं आ रहा है। मशीन को ऑफ कर लेते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों, ये देखिए आउटपुट जो कार्ड है उसकी हीट सिंक पर 2 वायर का यहाँ पर दोस्तों ये ऑटो कट लगा हुआ है, ये भी हमारा ख़राब होने पर OC का फॉल्ट आ जाता है। इस ऑटो कट को भी आप चेंज करके देख सकते हैं, कई बार फॉल्ट ठीक हो जाता है, बाकी इसका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें चेक करने पड़ेंगे मॉस्फेट, मॉस्फेट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखा है, साइड साइड की लैग पर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए 107 रेंज आ रही है, साइड साइड की लैग पर चेक कर रहे हैं हम। दूसरे मॉस्फेट को भी चेक कर लेंगे, इस पर 120 आ रहा है, और ये तीसरे वाले को भी चेक कर लेंगे, इस पर भी 120 आ रहा है, चौथे पर चेक कर लेंगे, इस पर 725 आ रहा है, इस पर 725 आ रहा है, और तीसरे पर ये भी 725 आ रहा है। तो दोस्तों इधर तीनों पे कम आ रहा है, तीन पे ठीक आ रहा है, तो 725 के आसपास आना चाहिए सभी पर। तो इसके बाद में इस साइड भी चेक कर लेंगे, तो ये देखिए इस पर 720 आ रहा है, इस पर भी 720 आ रहा है, 720 है, यहाँ पर 726 है, इस पर भी 726 है, इस पर भी 726 ही आएगा। तो इस साइड में तो सभी पर ठीक आ रहा है, रेंज बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मशीन को घुमा लेते हैं और इधर के जो तीन मॉस्फेट हैं इनमें से कोई भी एक मॉस्फेट शॉर्ट है, और दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इन तीनों में से ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मशीन में ये OC का फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो मॉस्फेट है इसी को निकालेंगे हम, यहाँ पर इसको डिसोल्ड कर लेंगे,
ये देखिए डीसोल्ड करने के बाद में पंप से डीसोल्ड कर लिया है, काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया है। नंबर देखिए तोशिबा K4107 इसका नंबर है। मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखेंगे, 107 इसका रेंज आ रहा है। साइड साइड की लेग पर घुमाकर भी चेक कर लेंगे, इस साइड से कोई रेंज नहीं आ रहा है। साइड साइड की लेग पर यहाँ पर इस टाइप से इसमें 107 रेंज आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी रेंज नहीं आना चाहिए। ये हमारा मोस्पीड हमारा वीक हो चुका है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेंज चेक कर लेंगे आप, देखिए यहाँ पर भी दोस्तों 722 रेंज आ चुका है उस मोस्पीड को निकालने के बाद में। दूसरे तीसरे नंबर पर भी चेक कर लेंगे, इस पर भी 722 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों रेंज बढ़ चुका है, सिर्फ हमारा यही वाला जो मोस्पीड है ख़राब है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास नया वाला, देखिए तोशिबा कंपनी का ही है, K4107 इसका नंबर है, तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए कोई रेंज नहीं आ रही है इस साइड में, और इस साइड भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी कोई रेंज नहीं आना चाहिए। ये देखिए साइड साइड के लेग पर ही चेक कर लेना आपको, कंटिन्यूटी पर रखना है मल्टीमीटर को। तो चलिए लगा देते हैं नया वाला हमारा मोस्फेट। मोस्फेट लगाते वक्त आपको याद रखना है, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर लगाना है। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही मोस्फेट इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा लेग कट कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट लगा देंगे तीनों लेग के ऊपर अच्छे से, और इसको अच्छे से सोल्डिंग करना है दोस्तों। सोल्डिंग है जो डबल प्रिंट की पीसीबी होती है, तो इसमें बिल्कुल नीचे तक जो पूरा जो सोल्डिंग है पहुंचना चाहिए, अच्छे से सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग हमारा हो चुका है, इसके बाद में इसको क्लीन ज़रूर करना है। यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल है, थिनर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर आप वर्क करते हैं उसको अच्छे से पूरा क्लीन करना है, मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए ऑटो कट जो हमने निकाला था हीट ओवर हीट का, उसको हमने वापस से लगा दिया है। अब लगाएंगे मशीन का वायर, सीरीज में ही चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह का भी डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले आ गया है, ये देखिए जो हमारा ओसी का इंडिकेटर है वो नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर दोस्तों सेट हमारा बिल्कुल वर्क करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आउटपुट सप्लाई चेक कर लेंगे मोस्फेट की। इसमें आपको सिंपल बल्ब का ही यूज़ करना है, 100 वाट के बल्ब का, एलईडी बल्ब का यूज़ नहीं करना है। तो आउटपुट सप्लाई आ रही है, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, तो मोस्फेट कार्ड हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो चलिए 6 वायर की जो जिक है इसको हम यहाँ पर वापस से लगा देंगे, पूरा लगाना है इसको टाइट से। ये देखिए लग चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों सेट को हम सीधा घुमा लेंगे, क्योंकि सेट को हमें अब चलाकर भी चेक करना पड़ेगा। तो ये आ चुका है हमारा टेस्टिंग लीड, इसमें लगे हुए हैं, तो करंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए 107 पर कर लिया है हमने सेट को, और मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट पर रखा है। एक बार यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे, ये देखिए लगभग 55-60-70 वोल्ट तक आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सप्लाई आ रही है आउटपुट भी इसमें मीटर से। और यहाँ पर दोस्तों अब चेक कर लेंगे वेल्डिंग, ये देखिए सेट आउटपुट दे रहा है, वेल्डिंग रोड गला रहा है। थोड़ा सा करंट और बढ़ा देंगे इसको, पूरा ही बढ़ा देंगे। तो अब चेक करेंगे दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है सेट, देख पा रहे हैं वेल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट करंट काफ़ी शानदार आ रहा है, मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मशीन को ऑफ कर देते हैं, वायर को निकाल देते हैं। नीचे हमने लकड़ी का फट्टा रख लिया था ताकि काउंटर हमारा डैमेज नहीं हो। ये देखिए रोड के अंदर यहाँ पर होल हो गया है, मशीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मशीन का कवर लगा लेते हैं, मशीन हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुकी है। इस मशीन के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों मशीन एकदम फर्स्ट क्लास हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम इस मशीन में नहीं है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।